दो के अंदर गुस्सा है, तो मुझे लगता है इस इलेक्शन में वो सारा दिखाई देगा। मुझे लगता है कि कौन कितना पैसा दे रहा है वो सेटिंग करेंगे, लेकिन वोटिंग जहाँ डालना है वहाँ ही जनता डालेगी, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि अगर भाजपा शासन आता है तो ये ये तो आखिरी द्वेष देश होगा। बना है। देश जब आजाद हुआ तो सभी जाति धर्म के लोगों ने अपनी शहादत दी, उनके खून से, उनकी शहादत से देश खड़ा हुआ है, और उसी बदौलत एक अच्छा संविधान मिला है। तो लोग संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जात धर्म से ऊपर उठकर भाजपा को हराएंगे। आप हाँ देखो बिल्कुल सही, भाजपा के अंदर भी अंदरूनी अंतर्गत लड़ाइयां शुरू है, सब भाजपा के ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम खासदार के साथ है, लेकिन अंदर से खासदार को गिराने की कोशिश भाजपा के लोग कर रहे हैं। ये भी सामने ये दिखाई दे रहा है, 1/3 अगर मेजोरिटी मिलती है तो हम संविधान बदल देंगे। तो उसी तरह एक तानाशाही रवैया यहाँ के खासदार भी अपना रहे, सबको दबाया जा रहा है, कोई उल्टा बोलेगा तो उसको केस में फंसाया जा रहा है। ये सारी चीजें देखो हो रही है। बेईमानों को धंधा देंगे और उनसे चंदा लेंगे, ये पॉलिसी ये भाजपा पहले की। से हमारी ये मंशा है कि भाजपा के कैंडिडेट को जो हराएगा उसको हम पूरी तरह से समर्थन देंगे और उसको जीतने के लिए मदद करेंगे। हेलो गाइस, मैं हूँ रिमी सेन और मैं आ रही हूँ इंडिया स्प्राइट आइकॉनिक अवार्ड्स 2024 एंड एग्जॉटिक मिस्टर मिस एंड मिसेस इंडिया में, जो होने जा रहा है 20th of April एट होटल जिंजर नियर मुंबई एयरपोर्ट। थैंक्स टू एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, सौरभ एंटरटेनमेंट एंड अंशिका एंटरटेनमेंट फॉर इन्वाइटिंग मी, सपोर्ट बाय MSJ अवार्ड्स एंड इवेंट्स, मोनिका सोनी एंड डॉक्टर राज काले, रेड एंड PR एंड मीडिया पार्टनर्स सचिन जाधव एंड महेश, एंड मार्केटिंग पार्टनर RV राइजिंग एंटरटेनमेंट बाय राहुल वरुण, और रियलिटी क्वार्टर एट नेविल जे कबराना, निगजात एंटरटेनमेंट, मीडिया पार्टनर मुंबई रफ्तार न्यूज शैलेश पटेल। सो सी यू गाइज ऑन 28th of April एट जिंजर होटल नियर मुंबई एयरपोर्ट, आर्टिस्ट मैनेज बाय अनुज चुके। दोस्तों, मैं यूसुफ मंसूरी, आज एडवोकेट किरण चन्ने साहब के साथ में चुनावी विषय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी भिवंडी में किसके साथ है और इनके जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो किसके साथ है। हम राजनीतिक माहौल देख रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा कहा है कि जो भाजपा के कैंडिडेट को हराएगा उसका हम पूरी तरह से जोर से समर्थन करेंगे और भाजपा के कैंडिडेट को हराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, ये हमने पहले ही कहा है। भिवंडी में रईस शेख और समाजवादी पार्टी के बीच में जो मामले चल रहे हैं, तो उससे क्या राजनीतिक नुकसान, जो वोट का नुकसान है, वो कैंडिडेट को हो सकता है? क्योंकि ऐसी चर्चा चल रही है कि कुछ बिका हुआ है, कोई बिका हुआ, ऐसा कुछ मामले चल रहे हैं, तो ऐसा नुकसान हो सकता है? देखो, मुझे लग रहा है कि लोग ना अखलाक को भूले हैं और ना शाबानों को भूले हैं, और जो भूले हैं वो मुझे लगता है कि अपना अतीत भूल गए हैं। तो ये सारी जो एक तरह का गुस्सा है वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मन में है और वो इस इलेक्शन में दिखेगा। अभी उन समाजवादी के आमदार ने जो राजीनामा दिया उनका अंदरूनी मामला है, उसमें मैं कोई भाष्य नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि लोग पैसों से ज़्यादा देश की गरिमा को ऊंचा रखने का काम करेंगे। देश का संविधान बचना चाहिए, देश का डेमोक्रेसी बचना चाहिए, लोगों बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को MSP के तहत जो उनके माल को भाव मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये जो इलेक्शन है, जिस तरह से BJP ने पूरे देश में पूरा देश बेचने का काम अडानी और अंबानी को किया है, तो उसके खिलाफ में आदिवासियों में गुस्सा है, अल्पसंख्यक गुस्सा, और पूरी जो किसान है उनके अंदर भी बहुत सारा गुस्सा है, दलितों के अंदर गुस्सा है। तो मुझे लगता है इस इलेक्शन में वो सारा दिखाई देगा। मुझे लगता है कि कौन कितना पैसा दे रहा है वो सेटिंग करेंगे, लेकिन वोटिंग जहाँ डालना है वहाँ ही जनता डालेगी, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि अगर भाजपा शासन आता है तो ये आखिरी इलेक्शन होगा। भाजपा शासन अगर सत्ता पे आती है तो एक तानाशाह की तरह मोदी जी का रवैया रहेगा, जो पहले से है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 150 खासदारों को निकाल कर फिर जिस तरह के कानून बनाए गए, तो विरोधी पक्ष को जिस तरह का सम्मान होना चाहिए उस तरह का सम्मान नहीं है। ऐतिहासिक जो सारी चीजें हैं उनको
निष्कासित करने का काम, उसको बर्बाद करने का काम मोदी और उनके सभी साथी कर रहे हैं, तो इसका बहुत सारा गुस्सा लोगों के अंदर है। और लोगों को ये भी पता है कि ये जो दो देश बनाए, देश जब आजाद हुआ तो सभी जाति धर्म के लोगों ने अपनी शहादत दी, उनके खून से, उनकी शहादत से देश खड़ा हुआ है, और उसी बदौलत एक अच्छा संविधान मिला है। तो लोग संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जात धर्म से ऊपर उठकर भाजपा को हराएंगे, आप देखोगे। साहब, जैसा कि जीवनी में तीन कैंडिडेट की जो चुनाव प्रचार में है और चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो जैसा कि एक तो बीजेपी के एक हजार अखिल पाटिल है और दूसरे जो है दो एक बालिया मामा और एक नीलेश सांभरे, ये दोनों में अगर वोट का बंटवारा होता है और जैसा कि नीलेश सांभरे की तरफ कुछ लोग हैं और कुछ लोग बालिया मामा की तरफ, तो ऐसा तो नहीं कि एक वोट बंटने के लिए खड़ा किया गया ऐसा कुछ मामला है? लोग देखो, अभी तक कंफ्यूज है कि वोट किसको दिया जाए, कुछ लोग उधर और कुछ लोग इधर, इससे तो बीजेपी का फायदा हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि दो कैंडिडेट अगरी समाज से आते और एक कैंडिडेट कुनबी समाज से आते, तो मुझे लगता है कि अगरी समाज के वोटों में बंटवारा आएगा। कुनबी समाज का जो वोट ज्यादातर है वो नीलेश सांभरे जी को ही मिलेगा। उसमें से शिवसेना का वोट बाले मामा के खाते में जा सकता है, वो बाले मामा कितना प्रयास करे उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो विद्यमान खासदार है उनके खिलाफ में जनता में बहुत सारा गुस्सा है, क्योंकि उनके गांव से एक बंदा बोल रहा है कि गांव में आंगनवाड़ी नहीं और आप विकास की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी भी तरह का विकास पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ है, खाली जुमलेबाजी हुई है, काम तो दिखाई नहीं दे रहा है। लोग रस्तों से परेशान है, इंदिरा गांधी अस्पताल से परेशान है, ना कोई मेडिकल कॉलेज आया, ना स्टूडेंट के लिए कोई पॉलिसी अच्छी आई, तो ना यहाँ की जो टेक्सटाइल बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का सेंटर ने प्लान किया। तो मुझे लगता है कि सभी तबकों में विद्यमान खासदार के खिलाफ बहुत ही गुस्सा है, और वो गुस्सा मेरे को लगता है वोटों से दिखेगा। जहाँ तक कल का मैंने वीडियो सांभरे जी का सुना, तो उन्होंने कहा कि मैं और भाले मामा मात्रे दोनों दोस्त हैं, जिसकी ताकत ज्यादा है उसको हम समर्थन करेंगे। तो मुझे लगता है भिवंडी जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा कोई अगर मार्ग निकलता है तो मुझे लगता है कि जीत एकदम आसान हो सकती है। देखा जाता है जैसे कि नीलेश सांभरे साहब तो अपक्ष के हैं जो, और जो ये बाले मामा है वो एक पार्टी के कैंडिडेट है, तो ज्यादा ताकत तो आपको लगता है ऐसा कि वहां पर है, शिवसेना, समाजवादी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टी की एक तरफ ताकत है? देखो, ये पूरी सियासत है भिवंडी लोकसभा मतदार संघ की। ये जो अलीबाग का कॉरिडोर या कुछ बनने जा रहा है, 3300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के बीच में अड़ी हुई है। अभी किसको कितना परसेंटेज मिलता है, किसको कितना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसी के ऊपर ये सब कैलकुलेशन शुरू है। तो अभी भाजपा के अंदर भी अंदरूनी अंतर्गत लड़ाइयाँ शुरू है, सब भाजपा के ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम खासदार के साथ है, लेकिन अंदर से खासदार को गिराने की कोशिश भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये भी सामने दिखाई दे रहा है। इसका मतलब भाजपा में बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, ऐसी तो स्थिति नहीं है। और जिस तरह का माहौल है, कोई भी नहीं बोल रहा है कि यहाँ के खासदार ने बहुत अच्छा काम किया है, कोई भी नहीं, भाजपा का भी नहीं बोल रहे। लगभग 10 साल होने आया जो लोकसभा सांसद है और यहाँ पर भिवंडी में कभी उन्होंने विजिट नहीं किया, किसी क्षेत्र में काम करे नहीं, कभी विजिट नहीं किए, जो भी आए तो पार्टी के उद्घाटन करने आए और पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने आए, उसके बारे में क्या कहें? देखो, जैसा गुरु वैसे चेले, अभी मोदी जी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो उनकी जो तानाशाही रवैया है उसका असर तो खासदारों पे गिरता ही है। कुछ खासदार बोल रहे हैं कि हम संविधान बदलने के लिए लड़ रहे हैं, आनंद हेगड़े जैसे, कुछ बोलते हैं कि 1/3 अगर मेजोरिटी मिलती है तो हम संविधान बदल देंगे। तो उसी तरह एक तानाशाही रवैया यहाँ के खासदार भी अपना रहे, सबको दबाया जा रहा है, कोई उल्टा बोलेगा तो उसको केस में फंसाया जा रहा है। ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन तानाशाह ज्यादा दिन नहीं रहती कोई किसी, क्योंकि ये देश संविधान को मानने वाला देश है, ये डेमोक्रेसी में जीने वाला देश है, तो लोग ये दादागिरी ज्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे और तानाशाह को नीचे उतरने का काम जनता ही करेगी। और मुझे वो माहौल भिवंडी में दिखता है। जैसा कि पॉलिटिकल मामला तो जो है, स्टूडेंट पावर को लेकर पॉलिटिकल मामले हर बार वादा किया जाता है लेकिन पूरा तो होता नहीं है, तो इसके ऊपर से क्या कहेंगे? देखो, पिछले बार यही सांसद थे और फडणवीस जी आके वादा करके गए कि हम अगली बार सत्ता में आएंगे तो स्टूडेंट को
ऐसा कर देंगे, कमेटी बैठाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सत्ता में बने हुए देखो, बेईमानों को धंधा देंगे और उनसे चंदा लेंगे, ये पॉलिसी भाजपा की है। और जिस तरह का 185 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड भाजपा को मिला है, उससे लगता है कि इन्होंने भिवंडी के जनता के साथ बहुत बड़ी बेईमानी की है। भिवंडी के जनता के पैसे की लूट की है और 285 करोड़ रुपए का फायदा टोरेंट कंपनी को करके दिया है। तो हम हमारे जो पसीने का पैसा है भिवंडी के जनता का, वो हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे, किसको लूटने नहीं देंगे। मैं हमेशा टोरेंट कंपनी के खिलाफ लड़ते आया हूँ और इस मसले को लेकर कोर्ट में जाऊंगा और भिवंडी के जनता को न्याय दिलाकर रहूंगा। आप भाजपा विरोधी है लेकिन इंडिया गठबंधन के हिस्सा क्यों? हमने पहले से, हमारी ये मंशा है कि भाजपा के कैंडिडेट को जो हराएगा उसको हम पूरी तरह से समर्थन देंगे और उसको जीतने के लिए मदद करेंगे। आज के स्थिति में 3 कैंडिडेट है, चौथा कैंडिडेट भी आ सकता है, तो हम माहौल को देख के उस तरह की रणनीति तय करेंगे और उस रणनीति के तौर पे भाजपा को हराने के लिए काम करेंगे।